अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको आवाज आ रही है? जी, आज हमारी नज्म का उनवान है आदमी। हमने पीछे कुछ नज्में की, आज की नज्म हमारी मौजूदा जो हालात है, आज के दौर और माशरती तरीके ये है। ये नज्म लिखी है सैयद जमीर जाफरी ने। सैयद जमीर जाफरी मजाकिया अंदाज में माशरती नाहमारियों का जिक्र करते हैं, वो माशरती नाहमारियों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं और हमारी नज़र इस तरफ दिलाते हैं कि किस तरीके से माशरे में ये जो फैली हुई है बेहंगम सूरत हाल है, माशरती मसला है, उसके बारे में बताते हुए उन्होंने आदमी आदमी उन्वान से हमें पता चल जाता है कि ये इंसानियत का दर्स दे रही है। सैयद जमीर जाफरी जो हैं ये फौजी अदीबों के उस काफले के सुरखैल हैं। सुरखैल का मतलब है कि उनके लीडर हैं जिन्होंने उर्दू अदब को शफीकुर रहमान और कर्नल मोहम्मद खान जैसे मजार निकाल दिए। उर्दू अदब में हमारे यहाँ नसर भी लिखी गई, नज्म भी लिखी गई। तो सैयद जमीर जाफरी संजीदा और मजाया दोनों किस्म की शायरी करते हैं। इनकी संजीदा शायरी का मौजू वतन से मुहब्बत है, क्योंकि फौजियों के दस्ते से ताल्लुक था और इनके दोस्त अहबाब भी थे, तो ये वतन से बहुत मोहब्बत करते थे और वतन की मोहब्बत से सरशार होकर उन्होंने वतन और सरजमीन वतन की अजमत के तराने, यानी सिर्फ वतन ही नहीं ये कि वतन कितना अजीम है। ये संजीदा शायरी अगरचे उनकी फनी पुख्तगी की गवाही देती है, ये बताती है कि उनका फन बहुत पुख्ता है, मगर उन्हें ज्यादा शोहरत मजाहिया शायरी के उन्होंने बहुत सी नज़में अपनी टीवी पे रेडियो पे हम भी पढ़ी है और संजीदा की नस्बत मजाहिया शायरी में इनका दर्जा बुलंद है। इनकी मजाहिया शायरी में तंज की तलखी कम और मिजाज की शगुफ्तगी ज़्यादा है, यानी मजाहिया शायरी के लिए कुछ लोग एक तंज के निष्कर्षक होते हैं, कुछ ओके लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तंज की नस्बत शगुफ्तगी है, यानी आप सूरत हाल से एक फन पैदा कर लेते हैं। और उनका एक खासा ये था कि वो खालिस मिजाज को पेश करने में खूब महारत रखते हैं। माशरती नाहमवारियों पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन माशरती ऊंच नीच रस्म रवाज इकदार इखलाक तौर तरीके इन सब पर उनकी नज़र है। वो जेरी मतवस्त तबका यानी एक दरमियाना तबका होता है, उसमें भी जो सबसे निचला है उसकी नाहमवारियों का नक्शा बड़ी खूबी से हमारे सामने खींचते हैं और इस तबके के तजादात से मजहक खेज सूरत हाल जो पैदा होती है वो पैदा करते भी हैं और हमारे सामने भी पेश करते हैं। आज हमारे निसाब में जो नज्म शामिल है वो आदमी है और इस नज्म में उन्होंने मजाकिया अंदाज में आदमी के मुख्तलिफ रूप बयान किए। उन्होंने बताया है कि आदमी क्या है, आदमी कैसा है, आदमी क्यों है, यानी कि मजाक के साथ साथ हल्का फुल्का तंज भी करते हैं और जिससे बड़ी दिलचस्प और खुशगवार सूरत हाल पैदा हो जाती है। आपको नज़्म आपके सामने है और आप देखते चले जाइए कि वो क्या कह रहे हैं कि था कभी इल्म आदमी दिल आदमी प्यार आदमी, था कभी इल्म आदमी दिल आदमी प्यार आदमी, आजकल सर आदमी कसर आदमी कार आदमी। यानी उन्होंने कहा कि कभी तो ये सूरत हाल थी कि कभी इंसान क्या था, इंसान की खसूसियत क्या थी, कि आदमी की अजमत और इज्जत जो है, ये इस पूरी नज्म का मरकजी ख्याल हमारा ये बनता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ माशरत की कदरें भी बदलती है, वक्त बदलता है
معاشرتی قدریں بھی بدلتی ہیں، زمانے کی تبدیلی آدمی کے بارے میں خیالات میں تبدیلیاں لاتی ہے، انفرادی اور اجتماعی رویے بھی انہی تغیرات کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف آدمی نہیں بدلتا، آدمی کے جذبات اور رویے بھی بدلتے ہیں۔ شاعر نے اس پوری نظم میں بتا دیا کہ آدمی کی عزت کس سے ہے، آدمی کی عظمت کا معیار کیا ہے، علم، اعمال اور اس کا کردار پہلے تو تھا لیکن آج دولت ہی ان سب چیزوں کا معیار ہے۔ آدمی کی کثرت ہو گئی ہے مگر آدمیوں کی اس پھیر چال میں ہمیں انسان نہیں ملتے، سچے انسان نہیں ملتے، پیار کرنے والے انسان نہیں ملتے۔ زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہر کسی کے مختلف ہیں، ہر روز قدروں اور معیاروں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہ انسان کو مشکلات کا شکار کر دیتی ہے۔ آدمی اگرچہ آج تعلیم یافتہ ہو گیا ہے مگر کم آزار آدمی کا، ایسے آدمی جو کسی کو کم تکلیف پہنچائیں۔ آج ہر انسان دوسرے کے مختلف روپ دھارے ہوئے ہے، آج کا آدمی اس زمانے کی تیز رفتاری کا بخوبی ساتھ دے رہا ہے۔ اس طریقے سے ساتھ دے رہا ہے، شاید کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ انسان کی عقل اور دانش، اس کی ذہانت، اس کی فطانت، اس کی قابلیت ہی اس کی خوبی مانی جانی جاتی تھی، لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج کے دور میں تھا، کبھی تھا، یعنی ماضی کی بات ہے، یہ وقت گزرے کی بات ہے۔ پہلے آدمی ان سے اپنے آپ کو سجاتا تھا، دل آدمی، پیار آدمی، اس کے سینے میں دل تھا، انسانیت کی محبت سے لبریز ہوتا تھا۔ آج کل آدمی زر پرست ہے، مادہ پرست ہے۔ آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ اب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زر سونے کو کہتے ہیں، کسر محل کو کہتے ہیں اور کار موٹر کو کہتے ہیں، کام کار۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کبھی آدمی کے لیے ضروری تھا کہ وہ خوب کردار ہو، خوبصورت ہو، اس کے پاس اچھا علم ہو، لیکن آج جس دور میں ہم مادہ پرستی کے دور میں رہ رہے ہیں، آدمی مادہ پرست ہو گیا، دولت پرست ہو گیا، محلات میں رہتا ہے، کاروں میں سفر کرتا ہے اور مشینی انداز میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آج انسان مشین کی طرح ہے، اٹھا اے سی کے بغیر نہیں لیٹ سکتا، پہلے انسان نیم کے پیٹ تلے لیٹتے تھے، آج انسان پیدل نہیں چل سکتا، کبھی اس کے درد ہوتی ہے، کبھی وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، کبھی بی پی ہے، کبھی شوگر ہے۔ تو آج انسان مشینی انداز میں زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ پیدل چلتے تھے، ہوا، آکسیجن انہیل کرتے تھے، لیکن آج لوگ ایک قدم بھی پیدل چلنا قصر شان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غربت کی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کا رب العزت اس کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان خود بھی ایک مشین بن گیا ہے، انسان دولت کمانے کی مشین بن گیا ہے اور دوسروں کے دل دکھانے کی مشین بن گیا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہم رضائے الہی کے لیے کرنا چاہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کہ دوسرے کا دل دکھے۔ آج باپ، بھائی، بیٹا یہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں جاتے ہیں۔ مشین انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت کام کرے، کچھ وقت آرام کرے، لیکن آج کا انسان جو ہے وہ مشین بن گیا، اور مشین صرف چلتی ہے، وہ جذبات سے آری ہوتی ہے۔ مشین جو ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، مشین کا کام ہے چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ اس کے دل میں جذبات، محبت، احساسات، خیالات، فکر یہ نہیں ہوتا، اور اگر انسان کبھی رک بھی جائے تو وہ صرف ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ یعنی ضمیر جعفری دور حاضر کی مادہ زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، انسان مادہ پرست ہے، ظاہری عمارت اور انسانیت کی بلندی وہ خیال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری ظاہری حالت ہے وہی ہماری بلندی ہے، نہیں، دور رہنے کے لیے محل استوار کر رہا ہے۔ یعنی ہم پہلے ایک ہی گھر میں چار پانچ لوگ رہتے تھے، ایک کمرے میں رہتے تھے، گھر کے سہن میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، لیکن آج ہر بندہ اپنے کمرے میں، کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہے۔ سفر کے لیے گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں، خدمت کے لیے نوکروں کی فوج ہے، کاروبار زندگی میں انسان اتنا الجھ گیا ہے کہ اس کے پاس
किसी गमजदा, किसी मुसीबत जदा, किसी परेशान हाल का हाल पूछने के लिए वक्त नहीं है। क्यों? कि वो जर और सीम, सोने चांदी के इन ढेरों और रेशम के अंबारों में इस कदर गुम हो गया कि वो खुद को भूल गया, उसे दौलत को, ठीकार को अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया। और ये कानून फितरत है कि जर परस्त इंसान कम कम ही खुदा परस्त होता है, क्योंकि वो दौलत हासिल करने की लगन में खुदा को भुला देता है। इसलिए शायर ने ये कहा है कि पहले आदमी का मयार कुछ और था, आज जो आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत की हवस में अपने आप को गिरफ्तार कर चुका है। इसलिए आज के दौर का इंसान जो है कि उसका माहौल बेहिसी, बेगानगी, वहशत, दहशत की वजह से जंगल की वीरानियां नजर आती हैं। तो शायर का ये कहना, जी बच्चा आल ऑफ यू आर एट शायर ये कहता है कि वो गुम हो गया, वो शिकम परवर होता जा रहा है, ना इसका पेट भरता है ना उसका दिल भरता है, और इंसान इंसानों से दूर हो गए हैं मोहब्बत। कुछ लोग यहाँ नूर सहर ढूंढ रहे हैं, तारीख सी इकरात है दुनिया तेरी क्या है। जमीर जाफरी कहते हैं कभी इंसान साहिब इल्म होता था, लोग इल्म की कदर करते थे, इसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी, मोहब्बत के जज्बात होते थे, मगर अफसोस के दौरे हाजिर ने उसके जिस्म को पत्थर बना दिया है। उसका दिल जज्बात और मोहब्बत से खाली है, उसे सिर्फ ये गर्ज है कि वो दौलत कैसे हासिल करे, वो मालो दौलत को जिंदगी समझ बैठा है। नतीजा ये है कि जहन्नुम के शोलों को जन्नत के फूल समझ कर धोखा खा रहा है, फूलों का रंग भी सुर्ख होता है और शोलों का। इंसान दर्द दिल से इंसान बनता है, और आज यही नेमत नायाब है। जैसा कि शायर कहता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वन्नता के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। यानी अगर इबादत करना होती तो वो तो फरिश्ते भी बहुत कर रहे थे इंसान को, इंसान का दिल का दर्द बांटने के लिए, खल्के खुदा के लिए पैदा किया। आज इंसान का चेहरा तो है सूरज की तरह, रूह में घोर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। अगले शेर को देखिए, शायर कहता है, बुलबुलाती बस्तियां मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कमयाब आदमी है कितना बसियार आदमी। बुलबुलाती बस्तियां यानी तड़पती बस्तियां, गुंजान आबाद बस्तियां, बसियार कहते हैं, वो बसियार खौर है, बसियार कहते हैं ज्यादा, कमयाब जो कम मिले। शायर कहते हैं कि आबादी ने बस्तियों को मजीद फैला दिया और दिलों को वीरान कर दिया, आदमी तो बहुत है मगर इनमें इंसान नहीं है। शायर ने इस शेर में वाज तौर पर बताया कि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ आबादियाँ और बस्तियाँ तो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले वहाँ रह नहीं रहे बल्कि रींग रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। माली एतबार से अक्सरियत मुश्किल का शिकार है, लोग इलाकों फाकों से सोते और आहों से उठते हैं। देखने में आदमी बहुत है मगर हकीकत में वही आदमी कमयाब और नायाब भी है। बकौल शायर, आदमी तो मिले जिंदगी में बहुत, दिल तड़पता रहा आदमी के लिए, बहुत मिले लेकिन उसके बावजूद दिल में आदमी की मोहब्बत और चाहत बाकी रही। मौलाना रोम ने मुद्दतों पहले फारसी का एक शेर लिखा था जिसका मतलब ये है कि दिया लेकर तमाम रात शहर में घूमा के कोई इंसान मिल जाए, मगर मुझे दरिंदे तो मिले मगर कोई इंसान ना मिला। आज इंसानों के रवैये, इंसानों के जज्बे, इंसानों के तौर तरीके, उनका मेल मिलाप और माशरती अंदाज ये बताते हैं कि जब दुनिया अल्लाह वालों से आबाद थी तो इंसानों का कहर भी बड़ा था। आज जब लोगों के दिलों में इखलाकी और ईमानी खूबियों से खाली हो चुके हैं, जो दर्द दिल रखते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इखलास और मोहब्बत लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका है, मगर आज का आदमी आदमी का दुश्मन है, इंसानी खून नालियों में बह रहा है, इंसान इंसान की इज्जत को खुद पार पार कर रहा है, किसी की बहू बेटी बहन माँ की इज्जत को कदमों तले रौंदा जा रहा है। दौलत की हवस और दीन से दूरी ने इंसान को दरिंदा बना दिया है। आदमी आदमी से खफा दोस्तों, सारी दुनिया को क्या हो गया दोस्त, यानी
इंसान एक औरत ही औरत का हक छीन रही है। आदमी आदमी से मुराद मर्द या औरत नहीं, ये इंसानियत है। वहाँ दुनिया में अमीर गरीबों पर जुल्म उठा रहे हैं, गरीब अपने से गरीबों पर, गरीबों को गुर्बत कुफ तक ले जाती है, वो खुदा की शान में के खिलाफ वो शिर्क की हदों को छू लेते हैं। क्योंकि जब पेट की आग बुझाना हो और इंसान को जिंदा रहना के लिए दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत हो तो इंसान के लिए सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। गुनाह और ये चीज़ें आपको दो ही ग्रुपों में मिलेंगे, एक बहुत आला और एक बहुत नीचे। बहुत ज़्यादा दौलत भी इंसान को अंधा कर देती है और बहुत ज़्यादा कमी भी इंसान से डर और खौफ छीन लेती है। तो ये शायद ने ये बताया कि इंसान इंसान का दुश्मन है, उसे सिर्फ अपनी ज़ात अजीज है, उसे किसी की ज़ात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगरचे इंसान अशरफुल मखलूकात था, अल्लाह का नायक था, अल्लाह की खसूसियात का अक्स उसमें होना चाहिए, उसमें सखावत, उसमें फ्याजी, उसमें ममता, उसमें रहम, कहार, कफार, कदूस, जबूत, अलीम, समी, लेकिन इन्हीं बातों से वो मोहतरम था, वो अशरफुल मखलूकात था। लेकिन आज इल्मी, अकदरी, फिक्री और बदनी एतबार से इंसान जो है बाजार की जिंस बन गया है, बाजार में बिकने वाली चीज़ बन गया है। वो अजीम था मगर आज जिल्लत के गढ़ों में उतर चुका है। आ गई बाजार में बिकने खुदा की अजमतें, जी उठी हैं ख्वाहिशें और मर गया है आदमी। आज हर इंसान की ख्वाहिश है अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी तालीम, बाहर के मुल्क, यानी लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपने नफ्स पर हावी कर दिया है। इंसान इंसानों को भूल गया है, इंसान चलती फिरती और जिंदा लाशें बन गए हैं और सांस लेने वाले मुर्दे बन गए हैं। ये वजह है कि आदमियों की कसरत है और भीड़ में शायर को इंसान कम और नायाब नजर आते हैं। शायर कहते हैं, बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद, हर एक शख्स कोई सानहा लगे है मुझे। हर शख्स किसी दुख की कहानी है, किसी दुख की दास्तान है, कोई वाकया उसके दामन से लिपटा पड़ा है। तो शायर ने ये तमाम बातें बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज है, बज़ाहिर एक गैर संजीदा नज़्म है, लेकिन एक एक लफ्ज के अंदर एक एक वाकया, एक एक कहानी, एक एक सदी की दास्तान दर्ज है कि आदमी है क्या, आदमी ही आदमी बनाता है। तो शायर ने ये कहा। अगला शेर देखिए, पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। तरहदार बांका, सजीला, हैंडसम, खूबरू, अबरू भवे बालों की वो जगह जो आंखों के ऊपर कमान की शक्ल में होती है। शायर ने शेर में कहा कि आज का फैशन ज़दा आदमी खूबसूरत बनने के ख्याल में बीमार लग रहा है, हिम्मत और जमा बरती खो बैठा है। पहले किसी को देख कर ये कहा जाता था कि ये खाते पीते घर का है, आज उसको देखिए तो कह दिया जाता है कि इसको शुगर है, इसको बीपी है, इसको जोड़ों का दर्द है, बीमारियों का गढ़ा है। पहले इंसान का वजूद उसके कुछ खुराक होने की अलामत था, आज उसको बीमारियों का अंबार बना हुआ है। आज एक इंसान फैशन ज़दा हो गया है, वो चाहता है कि वो जिस्मानी एतबार से नाजुक तर होता चला जाए। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी गर्दन, अपनी कमर, अपने लब और अपने अबू बारीक से बारीक करने की फिक्र में बीमार लग रहा है। वो इसी बीमारी को अपना हुसन करार देता है। खवातीन बनाओ सिंगार का हर अंदाज मर्द ने अपना लिया। औरतें अगर भवें बनाती थी तो मर्द भी आज भवें बनवा रहे हैं। औरतें कानों में बालियाँ पहनती थी, मर्दों ने भी पहनी। औरतों ने दुपट्टा उतार दिया, मर्दों ने मफलर ले लिया। यानी औरतों के से अंदाज मर्दों ने अपना लिए। नतीजा ये हुआ कि वो मर्दानापन और जुर्रत और जमा मर्दी और वो जौहर जो थे वो मर्द खो दिए, जो मर्दों का हकीकी हुस्न था। इतना नाजुक है वो परी पैकर जिसका जुगनू से हाथ जल जाए। यानी इतना नाजुक इंसान के जुगनू को हाथ लगा तो इतना नाजुक है वो जमाने की सख्तियों को क्या सहेगा, वो मुश्किलात मसाइब को क्या सहारेगा, उसका कैसे मुकाबला करेगा। आज का आदमी जिंदगी से जंग लड़ रहा है, मसरूफ है, बरसर बेकार है, उसे रिस्क ढूंढना है, उसे मेहनत और मशक्क़त के साथ उसे अल्लाह ताला को राज़ी करना है, राज़ी पर रजा रखना है। इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह है कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए, और रब को राज़ी करने के लिए इंसान को अपने नफ्स को मारना पड़ता है,
नफ्स लवामा और नफ्स अमारा, दो नफ्स इंसान के अंदर पाए जाते हैं। उसे खलके खुदा को खुश रखे, इंसान अपने रब को उसी वक्त राजी कर सकता है जब उसकी मखलूक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। इंसान इंसान को इंसान के दिल का दर्द बांटने के लिए पैदा किया, इसार और कुर्बानी, प्यार मोहब्बत, और उसे खुदा ताला के रास्ते में जिहाद करना है, उसे तबलीग करना है। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह की राह में तलवारों, बंदूकों और तोपों के साथ और पहाड़ों को उसे चीनना है, उसे अल्लाह की राह में निकलना है, उसके लिए मुश्किल और परेशानियाँ आएंगी, दरियाओं की लहरों से टकराना है और आंधियों का रुख बदलना है। इंसान जब कोई नेक काम करने की सोचता है और खुदा की राह में जिहाद करने का सोचता है तो वो फूलों की सेज नहीं है, उसे दुख तकलीफें मुसीबत असाय परेशान अजियत मुसीबत मलामत बनाए। तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, ये इश्क इश्क खुदावंदी है। इंसान को इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज का फैशन ज़्यादा आदमी अपनी पतली गर्दन, आँख, उबरू, इन सब के साथ साथ जिंदगी के मैदान में कौन सा कारनामा अंजाम दे सकता है। वो तो अपनी नज़ाकत में खवातीन से भी क्या गुजरा है। मर्दों के काम वही होते हैं जो मर्द करते हैं, काम मर्दों ये जो है सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। इन रास्तों पे चलने के लिए इंसान को अपनी जान कुर्बान करना पड़ती है, उसको खुद संभालना तो मुश्किल हो जाता है जब वो नज़ाकत के मैदान में कदम रखता है। वो वक्त की संगीनियों से टकरा कर उन्हें कैसे मोम बना सकता है, जो इंसान खुद मोम की तरह है, वो कैसे सामने वाले के साथ जंग लड़ सकता है। तो खुद मुश्किल में है, मुश्किलात जिंदगी का मुकाबला उसके बस की बात नहीं है। इस दुनिया में उसका होना ना होना दोनों बराबर है, क्योंकि उसकी नज़ाकत ने उसको मार दिया। शराफत और चीज़, शराफत और किरदार की मजबूती होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नज़ाकत औरत को का खासा है, ये मर्दों का नहीं। मर्द सख्तान और बाहिम्मत होते हैं, महवे आरायश रहे वो आईने के रूबरू, हम किताबे आरजू की दास्तां देखा दिए। जो शख्स हर वक्त शीशे के आगे खड़ा खुद संवरता बनता रहेगा, वो जिंदगी की किताब को अपनी आरजुओं को कैसे पूरा करेगा। इस लाफ की हिम्मत, कुव्वत और जुरत ईमानी का तस्करा आज हमें एक अफसाना लग रहा है। हमारे बाजार क्या करते थे, हमारे अजदाद ने कैसे जंगें लड़ी, हमारे अबाउजदाद ने कैसे मुश्किलात पर काबू पाया, कुफार के साथ कैसे जंगें लड़ी। आज का नौजवान और इंसान ये क्या बता पाएंगे कि वो तुम्हारे ही बाप दादा थे जो समंदरों में उतर गए, जिन्होंने पहाड़ों की छातियों को रौन डाला, बिजलियाँ चमकी तो मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, आंधियाँ आई तो उनसे कहा कि जाओ ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। आज का फैशन ज़्यादा नौजवान तो बीमार लग रहा है, वो तो हवा के झोंके से लड़ रहा है, वो तूफानों का मुकाबला क्या करेगा, वो क्या अपने रब को राजी करेगा। क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाख़ गुल से कोई भूल, आतिशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ से, यानी जब फूल की खूबसूरती और उसकी लालगी देखी तो ऐसे लगा जैसे आग लग गई है और उस आग से हाथों में छाले पड़ गए। तो शायर ने मुख्तसर अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में ये बात वाजे की कि आदमी कभी तेरी अजमत का मैार कुछ और था, कभी तेरी अजमत कुछ और थी, कभी तू जो था इल्म, दिल प्यार मोहब्बत खलूस था, लेकिन आज आज के इस दौर में तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़ाकत, अपनी बेहिसी और इसकी चादर में लिपटे हुए हो। इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कामयाबी के लिए हिम्मत और जुर्रत से काम ले। जी प्यारे बच्चों, अगला शेर देखिए, जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मया। जिंदगी तो कहीं बहुत पीछे रह गई, इंसान अपने उठने बैठने खाने पीने इन तमाम चीज़ों को बहुत आगे ले गया, और इंसान की इसी कोशिशों से इंसान की जिंदा रहने के उसकी अकदार उसकी हयात बदल गई, और इन्हीं चीज़ों ने उसके जीने का मैार उसके जिंदा रहने का मैार बहुत आगे ले गया। आज मैार ज़िंदगी बहुत बुलंद और मैार किरदार बहुत पस्त है। इंसान जो है आज उसके लिए जीने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज आदमी जीने का मैार इस कदर ऊंचा ले गया है कि जिंदगी बहुत
नीचे बहुत शस्तर है, आदमी जर माल की हवस में अंधा हो गया है। हकीकत यह है कि आज के आदमी को जर माल मोहब्बत इस कदर अंधा कर दिया कि वो केदार की दौलत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा है। इसके सीने में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है, किसी के दुख दर्द पर पिघलना और घुलना नहीं आता, जबकि इसकी तकलीफ का मकसद ही यही था। जिंदगी क्या है, खनकते हुए सिक्कों की सदा, मौत क्या शय है, भरी जेब का खाली होना। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आज का आदमी इंसानियत की बुनियादी कदरों से बेगाना है, उसके सीने के अंदर दिल अंधा हो चुका है, उसमें एक हैवान में कोई फर्क नहीं। जमीर जाफरी अपने तमाम अशआर में आदमियत और इंसानियत का दुख बयान करते हैं। वो बताते हैं, ये जिंदगी महज खाने पीने और रहने सहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के गमों को अपनाने का, उनके गमों को कम करने का, और सिर्फ अपने लिए जीना इंसानियत नहीं, वो तो हैवानियत है। ये वो लोग हैं जो आलीशान कोठियों बंगलों में चलते फिरते हैं, मगर मुर्दों से बदतर है, उनकी कदरें उनका मातम कर रही हैं। जब वो लोग दूसरों के लिए उनके दिल में सोज और दर्द ना हो तो वो कब्रों में भी जिंदा हैं। आज जिंदगी जर और माल के परस्तारों को देख देख कर हैरान होती है। एक वक्त आएगा कि लोग इन मादी कदरों को भूल जाएंगे, मुफलिस लोग इस हकीकत का एतराफ़ करेंगे। इंसान एक जिंदगी की शतरंज की बसात बिछाए बैठा है। जमीर जाफरी ने इस पूरी नज़्म में बार बार आदमी, आदमियत, इंसानियत, दूसरे का दुख दर्द बांटना, दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना, इन तमाम बातों पर, और कहा कि इंसान ने अपने जीने का रंग बदल दिया, अपने जीने का अंदाज बदल दिया। जिंदगी यानी जिंदगी अपने आप को ढूंढती रही और इंसान अपने जीने का मायार बहुत ऊंचा, उसका स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया। इंसान के लिए किसी का बाकेदार, शराफत, शरीफ होना कोई अहमियत ना रखने लगा। उसे किस ब्रांड का कपड़ा पहनना है, उसे क्या कौन सी गाड़ी रखी है, कितना ऊंचा ले गया जीने का मायार आदमी। आज कोई नहीं देखता कि कोई अगर साइकिल पे है या मोटरसाइकिल पे है तो क्या वो हलाल की कमाई है, या आज बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो किस तरह टैक्स चोरी करके हुकूमत को नुकसान पहुंचा के, बेईमानी करके गरीबों का, हर इंसान दूसरे के पेट पे लात मारा है, हर इंसान टैक्स चोरी कर रहा है, हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी जिंदगी ईमानदारी और शराफत और इससे बहुत पीछे रह गई। लोग इन असल जो हमारी जिंदगी की किरदार और रवायात थी उनको भुला चुके हैं, और वो जो हमारे किरदार की बदकारियाँ और खूब बुरी बातें थी उनको हम अपना चुके हैं, ना सिर्फ अपना चुके हैं बल्कि उन पर फख्र करते हैं। रिश्वत सिफारिश का बाजार आम हो चुका है, लोगों के लिए लोग धोखा देकर चीज़ को बेचते हैं। तो शायद नेम हाँ, जमीर जाफरी ने पूरी नज़्म में इंसान को उसके किरदार और शराफत पर जोर दिया और कहा कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी इस्लाफ की किरदार और रिवायात को ना भुलाए बल्कि उनको अपनाते हुए अल्लाह को राजी बराजा रखे और खुदा के अहकाम को अपनाए और इंसानियत की खिदमत करे। जी बच्चा, ये बातें अब आप पे क्लियर हो गई हैं इसकी तशरीह? हेलो फातिमा जी, इन अशआर की आपने तशरीह करनी है, कल हम बाकी नज़्म करेंगे, ठीक है? कि चार ये अशआर हो चुके हैं, इसको पढ़िएगा, इसके मानी और इसका मरकजी ख्याल देखिएगा, बाकी मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है? ओके जी, अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। फातिमा एंड जैनब, आप दोनों की